हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सर। तो आज की क्लास है हमारी ओएसएससी एग्ज़ाम को लेके। जो भी लोग पेपर देने वाले हैं, मैं उनको विद सिलेबस के बताने वाली हूँ कि आपको पेपर किस तरीके का आएगा। और ये जो पेपर हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ये आपका ऑफिशियल पेपर है। जो भी लोग इस क्लास में नए हैं, प्लीज़ क्लास को ज्वाइन कर लें। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके कोई भी क्लासेस मिस ना हो पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जो भी लोग उड़ीसा के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपका पेपर वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उड़िया, उसमें और इंग्लिश में आएगा पेपर। तो मैंने यहाँ पर पेपर को पूरा इंग्लिश फॉर्मेट में टाइप किया हुआ है। ऑफिशियल पेपर है और आपको यहाँ पे बताएंगे कि आपको पेपर है जो किस तरीके का आएगा। तो ये क्लास जो भी लोग अदर एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो भी इसको देख सकते हैं। आज GNCH चंडीगढ़ में आई थिंक पेपर है। तो जो भी लोग पेपर देने गए हुए हैं, जिनका हो रहा, उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपका पेपर अच्छा जाए सभी का। तो यहाँ पर ये जो आपका पेपर का सिलेबस होगा, वो इस तरीके से रहेगा। पेपर अभी जो डेट है वो आपके आई थिंक आ चुकी है। आप लोग एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख लें, सेप्टेम्बर और अक्टूबर में आपका पेपर है, मुझे कन्फर्म नहीं है डेट का। तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें 100 MCQs आएंगे, 100 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, जिसमें से यहाँ पर आपको OMR बेस्ड पेपर आने वाला है। ये भी मैं आपको बता दूँ, आपको OMR बेस्ड पेपर का मतलब है हार्ड कॉपी दी जाएगी। हो सकता है फिर वहीं पे आपके पेपर भी सबमिट कर लिए जाएं, लेकिन OMR बेस्ड आपको पेपर देना है। पेपर में आपका जो आपने GNM BSc नर्सिंग में पढ़ा है, उनमें से सब्जेक्ट आएंगे 60%, और जो क्वेश्चन रहेंगे आपके प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड पर, तो वो भी आपके नर्सिंग के ही ऐड हो जाएंगे। तो टोटल 85% आपका नर्सिंग सब्जेक्ट कवर कर लेगा। तो 60% जो 60 MCQs हैं आपके आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, तो वो 60 MCQs आपने GNM में BSc में जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं उनमें से आएंगे, उसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है यहाँ पर जो काम आपने हॉस्पिटल में किया है, दैट मीन्स यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन भी आपके ऐड हो सकते हैं इसमें। प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन के अलावा यहाँ पर आपके लिए जो भी प्रैक्टिकल्स आप हॉस्पिटल में करते हैं, जो भी प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, वो सभी यहाँ पे आपके इसमें ऐड हो जाएंगे। तो वो चीज़ें भी यहाँ पे आपको आएंगी। फिर आएगा आपको अरिथमेटिक, जो कि आपका 10th स्टैंडर्ड का रहेगा, और 10th और 12th स्टैंडर्ड की मैथ आएगी। आपको ज़्यादा हाई फाई मैथ नहीं आएगी, इंग्लिश भी आपको 10th स्टैंडर्ड की ही आएगी, 5 क्वेश्चन आएंगे। तो 15% है जो आपका 15 MCQs आएंगे आपके 15 नंबर के नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट से। यहाँ पे GK GS आपको नहीं आता है, GK GS आपको नहीं आएगा। जो लोग OSSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इनके लिए ओनली 85% नर्सिंग और 15% नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट कवर करेंगे वन पेपर में। यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। आपको याद रखना है, जो CHO एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन जब अदर स्टेट एग्ज़ाम परफॉर्म करवाते हैं, स्पेशली स्टाफ नर्स और नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए, तो कभी कभी नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। और OSSC में नेगेटिव मार्किंग है कितना, 0.25% आपके मार्क्स कट होंगे यदि आपने एक क्वेश्चन भी रॉन्ग किया। तो टोटल 100 MCQs आएंगे आपको, OMR बेस्ड पेपर होगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके क्वेश्चन किस तरीके के एग्ज़ाम में आए थे। तो लास्ट टाइम का पेपर यहाँ पे पूरा टाइप फॉर्मेट में आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा आपके लिए, लेकिन मैं एक बार ऑफिशियल पेपर भी स्क्रीन पे शो कर देती हूँ, जिससे आपके मन में जो भी डाउट हो कि ऑफिशियल पेपर है या नहीं, तो वो भी क्लियर। ऑफिशियल पेपर, जैसा मैंने आपको बताया कि 10 नंबर का आपको अर्थमेटिक से आएगा, 15 मार्क्स आपके इंग्लिश से आएंगे। तो यहाँ पर ये रहा आपका ऑफिशियल पेपर। तो सबसे पहले हम है जो नर्सिंग सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, मैंने पेपर है जो पूरा टाइप फॉर्मेट में प्रेजेंट किया है। तो ये रहे यहाँ पर, तो 10 क्वेश्चन आपके आने हैं अर्थमेटिक वैल्यू से। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें यदि आपको कोई भी डाउट हो तो, क्योंकि हम सबसे पहले नर्सिंग सब्जेक्ट को कवर करेंगे। नॉन नर्सिंग है 15 मार्क्स, उसको हम सेकेंड पार्ट में कवर अप करेंगे, लेकिन जो 85% क्वेश्चन है आपके नर्सिंग के, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है आपका इंग्लिश का, जिसमें से आपको ओनली 5 क्वेश्चन आना है, 5 MCQs आपको इंग्लिश के क्वेश्चन। फिर आता है आपका नर्सिंग सब्जेक्ट। नर्सिंग सब्जेक्ट यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हुए रहेंगे। तो पेपर आपको इसी तरीके से मिलेगा, ये ज़्यादा पुराना पेपर नहीं है, लास्ट ईयर का ही पेपर है। यहाँ पर ये देखिए, आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में। पूरा पेपर मैंने टाइप फॉर्मेट में आपके लिए लेके आए हैं, जिससे आपके जो भी डाउट्स रहेंगे कि पेपर ऑफिशियल है या नहीं, तो वो भी आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे।
आप चाहें तो इस पेपर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यदि आपको डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में या फिर कुछ भी। और ये जो पेपर है, पेपर आपके लिए पूरा सॉल्व फॉर्मेट में, क्योंकि ओएसएससी का पेपर अभी इस मंथ में नहीं है, थोड़ा सा टाइम है आपके पास, तो अभी हम चैनल पर इस पेपर के लिए अपडेट कर देंगे। आफ्टर दैट जो हमारी एफ है मेडिकल एंड नर्सेज सब की है, वहाँ पर पूरे पेपर को एज एन सीरीज फॉर्मेट में सॉल्व करने भी आपको दिया जाएगा, वो भी फ्री। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, ऐप में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए वहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है, बट विद इन 1 or 2 days में आपके लिए ऐप भी स्टार्ट हो जाएगी, तो जहाँ पर आप फ्री सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पूरा पेपर, आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि आपको क्वेश्चन अब किस तरीके। विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर, तो कौन से ब्लड ग्रुप के लिए यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ऑप्शन में बी, ओ, ए बी या फिर ओ। तो आप अपनी ज़्यादा क्लियरिटी के लिए मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सल डोनर क्या है, तो यदि यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव करके कुछ भी ना दिया हो तो आपको मार्क करना होगा ओ, लेकिन जो यूनिवर्सल डोनर है वो क्या है, वो है ओ नेगेटिव। क्या है डोनर, क्या है यूनिवर्सल डोनर है जो, क्या है ओ नेगेटिव, आपको ये याद रखना है। लेकिन यदि आपको ओ पॉजिटिव ब्लड दिया जाता है, क्वेश्चन ए भी एग्जाम में आता है, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन ए भी आता है कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट मतलब जो किसी का भी ब्लड है जो क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है, चाहे उसका ब्लड ग्रुप कोई भी हो, तो वो होगा यहाँ पर ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव वाले पेशेंट किसी का भी ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकते हैं, ओ नेगेटिव वाले अपना ब्लड ग्रुप किसी को भी है जो दे सकते हैं। डोनर यदि पूछते हैं यूनिवर्सल डोनर तो वह ओ नेगेटिव। इनकेस आपको यहाँ पर ऑप्शन में ऑफिशियल पेपर में नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं दिया था तो यहाँ पर आपका आंसर ओ होगा। लेकिन मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो नेगेटिव भी दिया हो, पॉजिटिव भी दिया होता है, तो आपको मार्क करना है ओ नेगेटिव, क्योंकि ओ नेगेटिव क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। ओ पॉजिटिव अपना ब्लड ग्रुप दे सकते हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव, इस तरीके को। लेकिन यदि यूनिवर्सल डोनर आपसे एग्जाम पर्पज से पूछा जाता है तो ओ नेगेटिव रहेगा, ए बी पॉजिटिव रहेगा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो किसी का भी ब्लड है जो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इन्हेंस द ब्लड क्लॉटिंग, तो कौन से विटामिन हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल रहेंगे? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के या फिर विटामिन बी। तो सबको पता है ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो वो है विटामिन के, और एट द टाइम ऑफ बर्थ भी यही दिया जाता है ताकि हेमरेज और ब्लीडिंग से प्रिवेंट किया जा सके। वारफरिन का एंटीडॉट भी क्या है, विटामिन के। तो यहाँ पर विटामिन के है जो क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इन ह्यूमन ब्लड इज अबाउट, तो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है ह्यूमन बीइंग में? ऑप्शन है यहाँ पर 70,000 to 90,000 mm3 ब्लड, या फिर 1.5 lakh to 3.5 lakh mm2 ब्लड, या फिर 50,000 to 35,000 mm2 ऑफ ब्लड, या फिर 4,000 to 11,000। तो कितना है जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है, तो यहाँ पर जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है वो होता है 1,50,000 से लेकर 3,50,000 mm2 ऑफ ब्लड। क्या है यहाँ पर वैल्यू है इसकी। लेकिन यदि RBC की पूछते हैं और WBC की पूछते हैं, तो WBC का होता है 3,500 से 10,500 सेल्स। क्या है 3,500 से 10,500 सेल पर MCL, मतलब यहाँ पर लीटर में रहेगा। तो यहाँ पर जो आपको मेन है, आपको जो नंबरिंग याद रखनी है कि कितना है जो आपके लिए ब्लड है होना चाहिए आपकी बॉडी में। हीमोग्लोबिन वैल्यू पूछी जा सकती है, तो 13.5 to 17.5 ग्राम पर DL कितनी है मेल में है, फीमेल में पूछें तो 12 to 15.5 ग्राम पर DL फीमेल में है। अब यहाँ पर आपको हेमेटोक्रेट वैल्यू, रेड ब्लड सेल्स काउंट, WBC काउंट, प्लेटलेट्स काउंट, हीमोग्लोबिन लेवल, ये सबका आपको अलग अलग याद रखना होगा। यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है, लेकिन आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आपके एग्जाम में प्लेटलेट्स की जगह WBC काउंट पूछ सकते हैं, RBC काउंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, स्टरलाइजेशन ऑफ एंडोस्कोप इज डन बाय, तो एंडोस्कोप का जो स्टरलाइजेशन है किसके द्वारा किया जाएगा? बाय ऑटोक्लेविंग, बाय UV रेस, बाय 2% फिनॉल, या फिर बाय 2% ग्लूटरल्डिहाइड। तो जो एंडोस्कोपी है,
एंडोस्कोपी है, इसको हम कैसे स्टरलाइज करेंगे? तो इसको स्टरलाइज किया जाएगा 2% ग्लूटराल्डिहाइड से। मैंने आपको पढ़ाया था कि जितनी भी ट्यूब्स होती हैं उनको हम 2% ग्लूटराल्डिहाइड से क्या करेंगे, स्टरलाइज करेंगे। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, यूरिन सैंपल फॉर कल्चर इज कलेक्टेड फ्रॉम। तो यूरिन सैंपल हमें लेना है यदि टेस्टिंग के लिए, तो कब कलेक्ट करना चाहिए सैंपल को? फर्स्ट यूरिन, लास्ट यूरिन, मिडस्ट्रीम यूरिन या फिर फर्स्ट एंड लास्ट यूरिन? तो फर्स्ट सैंपल यदि हम यूरिन सैंपल कलेक्ट करना है तो कब कलेक्ट करना चाहिए? फर्स्ट यूरिन, जो फर्स्ट वॉइडिंग यूरिन है मॉर्निंग की, उसको कलेक्ट करना चाहिए। उसमें आप ज़्यादा अच्छे से जो बैक्टीरिया है, जो भी इन्फेक्शन है, उसको प्रॉपरली हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। तो फर्स्ट यूरिन और फर्स्ट वॉइडिंग यूरिन अर्ली मॉर्निंग का है जो सैंपल कलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, व्हाट इज़ द नॉर्मल साइज, जिसमें लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस है, ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस इन एन एडल्ट। तो एडल्ट में जो नॉन प्रेग्नेंट में जो एडल्ट यूट्रस होता है उसका वेट कितना होता है? 50 to 60 ग्राम, लेकिन प्रेगनेंसी में 1000 ग्राम तक है जो चला जाता है। तो यहाँ पर नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का जो नॉर्मल साइज कितनी होती है, जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर लेंथ है, 2.5 सेंटीमीटर विड्थ है, 1.5 सेंटीमीटर थिकनेस है। तो इसी तरीके से पूरे ऑप्शन है 5 × 2 × 1 सेंटीमीटर, 12.5 × 10 × 2.5 सेंटीमीटर, 7.5 × 5.2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर तीनों जो रेंज है, फर्स्ट इज प्रेजेंट कर रही है लेंथ को, सेकंड विड्थ, और थर्ड वन इज द थिकनेस, कि यूट्रस की थिकनेस क्या है। नॉर्मल साइज कितनी होती है यूट्रस की, जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में पूछी गई है, तो वो 7.5 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यूट्रस की लेंथ कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर विड्थ है, और 2.5 सेंटीमीटर क्या है, थिकनेस है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, फॉर इफेक्टिव स्टरलाइजेशन स्टीम इन एन ऑटोक्लेव शुड बी एट अ प्रेशर ऑफ 15 pounds per square inch फॉर 13 मिनट्स एंड एट अ टेम्परेचर ऑफ। तो यहाँ पर देखिए ऑटोक्लेविंग का प्रेशर बताया गया है 15 pounds है, कितना पर स्क्वायर, 15 pounds per square है, 30 मिनट के लिए, ड्यूरेशन भी बताया हुआ है 30 मिनट के लिए, लेकिन टेम्परेचर क्या रखा जाएगा, 100 degree Celsius, 110 degree Celsius, 121 degree Celsius या फिर 131 degree Celsius। तो कितना टेम्परेचर है जो रखा जाएगा, तो जो टेम्परेचर रखा जाएगा कितना होगा, वो होगा यहाँ पर 121 degree Celsius। यदि प्रेशर पूछें तो 15 pounds psi, ड्यूरेशन पूछें तो 20 to 30 minutes होगा, टेम्परेचर पूछें तो 121 degree Celsius। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, 500 mg ऑफ ड्रग इज ऑर्डर, इट इज सप्लाइड इन टेबलेट्स ऑफ 1 mg पर टेबलेट, हाउ मैनी टेबलेट शुड बी एडमिनिस्टर्ड। तो कितनी टेबलेट यहाँ पर एडमिनिस्टर की जाएंगी, 0.5 टेबलेट, 1 टेबलेट, 1.5 टेबलेट या फिर 2 टेबलेट। जो डोज दिया हुआ है, डोज ऑर्डर किया गया है या फिर डिजायर्ड डोज जिसको हम कहेंगे, तो वो कितना है, 500 mg, क्या है, 500 mg। और आपको जो देना है, कितना देना है, यहाँ पर, यहाँ पर कहा गया है कि 1 mg की पर टेबलेट देना है आपको। तो यहाँ पर 1 ग्राम का यदि हम mg में कन्वर्ट करके निकालेंगे तो कितना होगा, 1000 mg, लेकिन आपको कितना देना है, 1 mg पर टेबलेट यहाँ पर होना चाहिए। देन आफ्टर यहाँ पर ये देखिए आप पूरा है जो सॉल्व करके बताया गया है कि जो डिज़ायर डोज है, क्या डिज़ायर डोज है, कितना, 500 mg, या फिर डोज ऑर्डर किया गया है जो कितना है, 500 mg। यहाँ पर फिर आपको mg में दिया हुआ है कि कितना होना चाहिए, इट इज सप्लाइड इन टेबलेट्स ऑफ 1 gram per tablet, एक टेबलेट में 1 ग्राम है जो डोज होना चाहिए, 500 mg का ऑर्डर किया गया है, लेकिन एक टेबलेट में 1 mg ही होना चाहिए। तो कितनी टेबलेट आपको देनी है, तो यहाँ पर आपको निकाल के कैलकुलेट करके बताना है कि जो डोज आएगा वो कितना देंगे आप। तो जो आपका कैलकुलेट करके डोज निकल के आएगा वो होगा यहाँ पर 0.5 टैबलेट, कितना, 0.5 टैबलेट देंगे आप, जिसमें आपको 1 mg पर टैबलेट के हिसाब, जो कंटेंट है वो 1 mg पर टैबलेट के हिसाब से आपका सप्लाई होगा। तो यहाँ पर क्या देना है आपको, 1/2 टैबलेट देनी है, दैट मीन्स 0.5 टैबलेट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर,
नर्स शुड बी अवेयर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज नेवर गिवन डायरेक्टली इंट्रावीनस एज अ सेफ्टी अलर्ट। तो एज अ नर्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिकेशन है डायरेक्ट हमें आईवी रूट से नहीं देना है सेफ्टी पर्पस के लिए, कैल्शियम ग्लूकोनेट, डेक्सट्रोस, लेजिक्स या फिर पोटेशियम क्लोराइड। तो कौन सी मेडिसिन है जो हमें डायरेक्ट एडमिनिस्टर नहीं करना है किसी भी पेशेंट में, वो भी आईवी रूट से, अदरवाइज ये क्या कर सकती है, सीरियस इफेक्ट क्रिएट कर सकती है। तो वो है यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड। क्या है? पोटेशियम क्लोराइड को यूज़ किया जाता है लो पोटेशियम लेवल हो जब आपकी बॉडी में उसको ट्रीट करने के लिए, जो कि एक मिनरल है। इसका काम होता है हार्ट मसल्स की जो फंक्शनिंग है उसमें हेल्प करना। लेकिन यहाँ पर जब इसको हम डायरेक्टली, क्या है, इसको हमेशा क्या किया जाता है कि जो RL है या फिर 0.9% सोडियम क्लोराइड है उसके साथ डाइल्यूट करके देते हैं। इसको कभी भी डायरेक्ट हम IV और IM रूट से नहीं दे सकते हैं, अदरवाइज ये क्या करेगा, सीवियर और ये कह सकते हैं हम डायरेक्टली एडमिनिस्टर किया तो क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि एक तो इसको हमेशा नेवर एवर इसके लिए कभी भी ओनली पोटेशियम क्लोराइड है जो IV रूट से नहीं दिया जाता, क्योंकि ये कार्डियक मसल्स में अरेस्ट लाने का काम कर सकता है। इसको हम क्या कहेंगे, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट होने के कारण क्या होगा, एक सीवियर और हमें भी कह सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन डेवलप होगी। इसीलिए हमेशा इसको, क्योंकि जब कोई भी हम IV रूट से मेडिसिन देंगे तो क्या होगा, इनका फास्ट तरीके से इन्फ्यूज़न होगा और ये बहुत फास्ट तरीके से एब्जॉर्ब होंगी। इसीलिए इसको हमेशा RL रिंगर लैक्टेट या फिर 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ ही दिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटेक्टेड बाय बेनेडिक्ट्स टेस्ट इन अ यूरिन सैंपल। तो जब यूरिन सैंपल लिया जाता है तो बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या चीज़ है जो हम उस यूरिन में डिटेक्ट करेंगे, प्रोटीन, बाइल सॉल्ट, ग्लूकोज या फिर कीटोन बॉडी। तो जो बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है जिसमें यूरिन सैंपल लिया जाएगा तो उस यूरिन में क्या चेक किया जाएगा कि ग्लूकोज बॉडी है या नहीं। क्या है? ग्लूकोज को चेक किया जाएगा कि कितना ग्लूकोज है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ग्लूकोज। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाइल मेजरिंग ब्लड प्रेशर इन अपर आर्म द चेस्ट पीस ऑफ स्टेथोस्कोप इज प्लेस्ड ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज। तो जब आप अपर आर्म से BP मेजर कर रहे हो तो यहाँ पर स्टेथोस्कोप है जो आप कौन सी आर्टरी पर रखेंगे, चेस्ट पीस होगा स्टेथोस्कोप का, कौन सी आर्टरी पर रखेंगे जब आप BP अपर आर्म से मेजर कर रहे हैं, तो अल्नार पर, रेडियल पर, ब्रैकियल पर या फिर एक्सिलरी आर्टरी पर, किस पर आप रखकर चेक करेंगे BP के लिए स्टेथोस्कोप का जो चेस्ट पीस है वो। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ब्रैकियल। किस पर? ब्रैकियल। जब हम अपर आर्म में BP मेजर कर रहे हैं तो जो स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस है कहाँ पर रखा जाएगा, ये तो ये रखा जाएगा ब्रैकियल आर्टरी पर। कहाँ पर? ब्रैकियल आर्टरी पर। ये यहाँ पर पार्ट दिए हुए स्टेथोस्कोप के आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ईयर पीस जो डॉक्टर्स कान में लगाए रहेंगे, ईयर ट्यूब, बाय न्यूरल स्प्रिंग जो यहाँ पर रहेंगे, ये है बेल, ट्यूबिंग पूरा, स्टेम और चेस्ट पीस। तो चेस्ट पीस आपको यदि पूछा जाएगा, और यहाँ पर दो पार्ट होते, एक होता है डायफ्राम पार्ट, दूसरा होता है बेल पार्ट। तो ये भी आपको याद रखना है, आपके स्पेशली नॉर्सेट एग्जाम में आपको आ सकता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, फॉर व्हाट पर्पस पैराफिन बाथ इज यूज्ड। तो पैराफिन बाथ है जो किसके लिए दिया जाएगा, बर्न पेशेंट के लिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट के लिए, एब्डोमिनल डिस्टेंशन के लिए या फिर एडिमा के पेशेंट के लिए। तो यहाँ पर पैराफिन बाथ है जो दिया जाता है जनरली जिन पेशेंट को अर्थराइटिस हो या फिर जॉइंट्स पेन हो, जॉइंट स्टिफनेस हो उनमें। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के आपका आंसर क्या होगा, रोमेटॉइड अर्थराइटिस। रोमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में पैराफिन बाथ है जो यूज़ किया जाएगा। इसमें एक तरीके से जो वैक्स होता है वो आपकी पूरी बॉडी पर लगाया जाएगा, गर्म टेम्परेचर दिया जाएगा जिससे आपको अर्थराइटिस पेन से रिलीफ मिले। तो ये क्या है, पैराफिन बाथ यूज़ किया जाएगा अर्थराइटिस पेन के लिए, सोर जॉइंट्स या फिर सोर मसल्स हैं तो उनके लिए। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द एंगल ऑफ द सिरिंज एंड निडल फॉर इंट्रावस्कुलर इंजेक्शन। यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, या तो आपको इमेज दी जाएगी कि कौन सा इंजेक्शन लगाया जा रहा है या फिर पूछा जाएगा कि कितने एंगल पर कौन सा इंजेक्शन है जो दिया जाएगा। तो यहाँ पर IM इंजेक्शन को कितने एंगल पर दिया जाएगा, ऑप्शन में है यहाँ पर
90 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री या फिर 10 डिग्री। तो जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिए जाते हैं कैसे दिए जाते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर। कितने पर? 90 डिग्री के एंगल पर। इंट्राडर्मल दिए जाते हैं 15 डिग्री एंगल पर। आईवी दिए जाते हैं 25 डिग्री एंगल पर। सबक्यूटेनियस दिए जाते हैं 45 डिग्री के एंगल पर। और जो आईएम होते हैं वो डायरेक्ट 90 डिग्री के एंगल पर इनको दिया जाता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, व्हेन अ ड्रग इज़ टू बी गिवन एट बेड टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग कोडेड इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड। तो जब कोई भी मेडिसिन बेड टाइम पर, सोने के टाइम पर दी जा रही हो, तो क्या इंस्ट्रक्शन, क्या कोडेड वर्ड यूज़ किए जाएंगे, SOS, OD, HS या फिर AC। तो जो टर्म यूज़ किया जाएगा वो होगा यहाँ पर HS। क्या होगा? HS। जब कहा जा रहा है कि मेडिसिन आपको रात में सोने के टाइम पर देनी है तो क्या लिया जाएगा? HS, वंस अ डे। OD कहा जाएगा, SOS मतलब जब ज़रूरी हो तब देना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, वेयर डज कैथेटर इंसर्टेड थ्रो फॉर लेफ्ट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन। तो यदि किसी पर्सन में लेफ्ट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन परफॉर्म किया जा रहा है तो कैथेटर को कहाँ इंसर्ट किया जाएगा? एंटी क्यूबाइटल वेन में, रेडियल वेन में, फीमोरल आर्टरी में या फिर फीमोरल वेन में। तो कहाँ पर कैथेटर को इंसर्ट किया जाएगा? जब लेफ्ट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन किया जा रहा हो तब। तो यहाँ पर कैथेटर इंसर्ट किया जाएगा कहाँ पर? फीमोरल आर्टरी में। ये देखिए, यहाँ पर आपको इमेज एग्जाम में आ सकती है कि जो कार्डियक कैथेटराइजेशन हो रहा है तो यहाँ पर कैथेटर इंसर्ट किया जाएगा कहाँ से? फीमोरल आर्टरी से, जब पेशेंट को लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ हो तो। नेक्स्ट है यहाँ पर, द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ब्लड इन द यूरिन। कौन सा टर्म यूज़ किया जाएगा कि यहाँ पर यूरिन में ब्लड आ रहा है? तो ग्लाइकोज यूरिया, हेमेट यूरिया, पाई यूरिया या फिर एल्बुमिन यूरिया। तो टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी वो होगी हेमेट यूरिया। क्या होगी? हेमेट यूरिया। ग्लूकोज है तो ग्लाइकोज यूरिया। हेमेट यूरिया का मतलब है कि ब्लड आ रहा है यूरिन में। हीम ब्लड जुड़ जाता है, दैट मीन्स ब्लड है। पाई यूरिया का मतलब पस सेल्स है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? हेमेट यूरिया। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग दैट कॉज एक्सपल्सन ऑफ गैस फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो कौन सी ड्रग हैं जो आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से गैस को बाहर निकालने का काम करेंगी? ऑप्शन में यहाँ पर लैक्सेटिव, कैथार्टिक्स, कार्मिनेटिव्स या फिर एस्ट्रिंजेंट। जो मेडिसिन है गैस एक्सपल्सन के लिए हेल्प करेंगी तो वो कौन सी है? वो लैक्सेटिव्स। कौन सी है यहाँ पर? लैक्सेटिव्स। या फिर हम ये कह सकते हैं कि साइड इफेक्ट है किस गैस का, कि जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से गैस निकालने का काम कर रही है। लेकिन यदि हमें गैस रिलीफ करने के लिए कहा जाता है तो वह कार्मिनेटिव एजेंट्स। अब यहाँ पर जो मेडिसिन स्टूल को सॉफ्ट करने का काम करती हैं तो वह लैक्सेटिव। लेकिन जब इनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो ये क्या करेंगे? एज इन साइड इफेक्ट के तौर पर जो लैक्सेटिव्स क्या करते हैं, ये करेंगे गैस ब्लोटिंग को भी रिलीफ करने का भी काम करेंगे। कभी कभी एस्टेटोरिया, हाइपोकैलेमिया भी कॉज कर सकते हैं। लेकिन आपको एग्ज़ाम में याद रखना है कि कैथार्टिक्स पूछें तो डिफिकेशन को एक्सेलरेट करने में हेल्प करेंगे। कार्मिनेटिव हैं तो ये प्रिवेंट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ गैस को। क्या करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ गैस को प्रिवेंट करने का काम करेंगे। एक्सपल्सन, जो भी गैस बनी हुई उसको बाहर निकालने का काम करेंगे। एस्ट्रिंजेंट्स हैं जो क्या करेंगे, जो बॉडी टिश्यू हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको यदि इनमें से कोई भी एग्ज़ाम में आता है, जनरली ये ड्रग्स के अलावा एनिमा भी पूछा जाता है, तो इनका काम वही होगा एनिमा में भी, क्योंकि यही मेडिसिन दी जाएंगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, व्हाट इज़ नोन एज एक्सरे स्टडी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब की स्टडी को क्या कहा जाता है? सोनोग्राफी, कॉलीसिस्टोस्कोपी, माइलोग्राफी या फिर साल्फिंगोग्राफी। तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के एक्सरे को कहा जाएगा साल्फिंगोग्राफी। क्या कहा जाएगा? साल्फिंगोग्राफी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द कलर कोडिंग ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर। तो नाइट्रस ऑक्साइड के जो सिलेंडर है उनका कलर किस तरीके का होगा? रेड होंगे, फ्रेंच ब्लू होंगे, ब्लैक एंड विथ वाइट शोल्डर्स होंगे या फिर ब्लैक होंगे। तो यहाँ पर जो गैस है, क्या है, जो सिलेंडर है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर सिलेंडर का कलर पूछा है, क्या है, कलर पूछा है कि नाइट्रस ऑक्साइड का जो सिलेंडर है वो किस कलर का होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फ्रेंच ब्लू। कैसा होगा? फ्रेंच ब्लू। यहाँ पर, एट व्हाट टाइम ब्लड सैंपल शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द पेशेंट विथ मलेरिया।
तो यदि किसी पेशेंट को मलेरिया है तो कौन से टाइम पर हमें ब्लड सैंपल लेना चाहिए? व्हेन टेम्परेचर इज नॉर्मल, मतलब जब टेम्परेचर आपका नॉर्मल हो, व्हेन फीवर इज जस्ट स्टार्टेड, या फिर आफ्टर टेकिंग द मील और एट द हाई लेवल ऑफ फीवर। तो जब मलेरिया हो किसी भी पेशेंट को, क्या हो, जब पेशेंट को मलेरिया हो तो हमें ब्लड सैंपल यदि उसका लेना है तो आप किस टाइम, जब टेम्परेचर पेशेंट का कैसा हो, नॉर्मल हो, क्या हो, आपने मेडिसिन दी हुई है, हो हमेशा जब भी पेशेंट को फीवर आता है ओनली पैरासीटामोल ही दी जाती है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट्स आती है उनके वेरिएशन को या फिर उनको क्या करेंगी, गलत तरीके से है जो रिपोर्ट नहीं आ पाएंगी यदि आपने ओनली पैरासीटामोल बस दी तो। यदि अदर मेडिकेशन दी फीवर रिलीफ करने के लिए तब रिपोर्ट्स भी रॉन्ग आ सकती हैं। तो जब पेशेंट का यदि मलेरिया है तब क्या हो जाए, फीवर थोड़ा डाउन हो जाए, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, तब हमें सैंपल को कलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रोजन DPT वैक्सीन शुड बी, तो DPT वैक्सीन यदि फ्रोज हो गई, जम गई है तो क्या करना है हमें, ब्रॉट टू द रूम टेम्परेचर बिफोर यूज, डिस्कार्डेड या फिर अलाउड टू मेल्ट बिफोर यूज या फिर सेकन थ्रोली बिफोर यूज। तो DPT वैक्सीन यदि जम गई है, फ्रोजन हो गई है, तो अब हमें क्या करना है, इसको डिस्कार्ड कर देना है, एडमिनिस्टर नहीं करना है। कभी भी स्पेशली DPT वैक्सीन को फ्रोजन फॉर्म हो जाएगा यदि, तो हमें क्या करना है, उसको एडमिनिस्टर नहीं करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर निडल सिरिंज स्कैल्पल्स एंड ब्लेड्स आर डिस्पोज्ड इन, तो जो निडल है, सिरिंज है, स्कैल्पल्स हैं और ब्लेड्स हैं, क्या हो गए, शार्प इंस्ट्रूमेंट हो गए, तो हमें किस में इसके लिए डिस्पोज करना है, ब्लैक बैग में, ब्लू बैग में, येलो बैग में या फिर रेड बैग में। तो जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनको कहाँ पर डिस्कार्ड किया जाता है, ब्लू बैग में। नेक्स्ट वन, करेक्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द EDD एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी के लिए करेक्ट मेथड कौन सी है, लास्ट डे ऑफ फर्स्ट पीरियड प्लस 280 डेज, लास्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 280 डेज, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 200 डेज या फिर फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 280 डेज प्लस 7 डेज। तो करेक्ट मेथड होती है EDD को कैलकुलेट करने के लिए LMP का पहला दिन, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट दिन प्लस 280 डेज प्लस 7 डेज। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी, इससे आपका EDD कैलकुलेट होके आ जाएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच पोजीशन इज यूज्ड इन लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन फीमेल शुड बी प्लेस्ड इन, तो जब भी लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन हो रहा है, लेप्रोस्कोपी के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है एब्डोमेन को इन्फ्लेट करने के लिए, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड एग्जाम में आता है आपको। अब पोजीशन की बात हो रही है, लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन होना है तो वुमेन के लिए सुपाइन पोजीशन है जो दी जाएगी। यदि कोई गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर होना है, वजाइनल प्रोसीजर होना है, तब लिथोटोमी दी जाएगी। लेकिन यदि पेशेंट के लिए क्या होना है, लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन होना है, तो सुपाइन पोजीशन दी जाएगी, लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जाएगी यदि पेशेंट को हमें एनीमा देना है तो। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट सोन बिल होते हैं, यहाँ पर एक कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इमेज में आपको दिख रहा है, यूरेथ्रल डायलेटर, ट्रैकियल डायलेटर, एन्यूरिज्म निडल या फिर नन ऑफ द अबव। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही एन्यूरिज्म निडल और ट्रैकियल डायलेटर की इमेज बेस्ड क्वेश्चन में बताया था। यहाँ पर जो इमेज दिख रही है, किसकी है, ट्रैकियल डायलेटर की, किसकी है, ट्रैकियल डायलेटर की। यहाँ और आपको जो यूरेथ्रल डायलेटर है, एन्यूरिज्म निडल है, भी एग्जाम में आपको आ सकती हैं, तो उनकी इमेज भी आपको एक बार चेक कर लेना है। नेक्स्ट वन, व्हाट डज द फॉलोइंग ECG इंडिकेट, तो यहाँ पर ECG क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कि ये क्या हुआ है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है या फिर थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है। तो यहाँ पर ECG इंडिकेट कर रही है कौन से हार्ट ब्लॉक के लिए, तो यहाँ पर ECG रिप्रेजेंट कर रही है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक को। अब यहाँ पर बहुत सारी ECG इमेज दी हुई हैं जिससे आपको इजीली समझ में आएगा, PR इंटरवल, P वेव, Q वेव क्या है। तो यहाँ पर फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में ECG आपकी इस तरीके से रहेगी, क्या है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में आपको ECG इस तरीके से देखने को मिलेगी। जो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, जिसको टाइप फर्स्ट, वैंक वाच और मोविट्स फर्स्ट, याद रखना है, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक या फिर टाइप वन मोविट्स फर्स्ट हार्ट ब्लॉक के लिए ECG आपको आ सकती है, या फिर ये कहा जा सकता है टाइप फर्स्ट हार्ट ब्लॉक को क्या कहा जाएगा, या फिर टाइप फर्स्ट मोविट्स हार्ट ब्लॉक को क्या कहा जाएगा। फिर आता है सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, या फिर इसको हम टाइप सेकेंड और मोपिट सेकेंड कहेंगे।
थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में आपकी ईसीजी इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, पी वेव और जो क्यूआरएस टी कॉम्प्लेक्स है बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, व्हाट इज दिस, तो यहाँ पर एक और इमेज है, कौन सा यहाँ पर आर्टिकल है या फिर कौन सी ट्यूब दिख रही है आपको, आईवी इन्फ्यूज़न सेट है, ब्लड सेट है, आर्टेरियल लाइन है या फिर सीबीपी लाइन है, तो क्या है यहाँ पर इस इमेज में, तो ये है यहाँ पर ब्लड सेट, क्या है ये ब्लड सेट, आर्टेरियल लाइन इस तरीके से होगी आपकी, सेंट्रल वीनस कैथेटर इस तरीके से होगा आपको, तो यहाँ पर आपको इनकी इमेज मेन है जो याद रखना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको इमेज बेस्ड ही आएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपको, ये रहा आईवी फ्लूड इन्फ्यूज़न सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द फिजिशियन इज एग्जामिनिंग द पेशेंट्स एब्डोमेन टू डायग्नोज पॉसिबल, तो यहाँ पर फिजिशियन पेशेंट के एब्डोमेन को देखिए प्रेस करके चेक कर रहा है, तो कौन सा डायग्नोसिस यहाँ पर किया जा रहा है, कुलिन साइन जो कि पैंक्रेटाइटिस में देखने को मिलेगा, अपेंडिसाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर डायबिटिक कोलाइटिस, तो यहाँ पर पेशेंट में जो साइन चेक किया जा रहा है ये हो रहा है यहाँ पर अपेंडिसाइटिस का रॉपसिंग साइन, कौन सा साइन चेक हो रहा है, अपेंडिसाइटिस का रॉपसिंग साइन चेक किया जा रहा है। रॉपसिंग साइन का मतलब क्या है, कंटिन्यूस डीप पाल्पेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट इलियक फोसा, एंटी क्लॉक वाइज वे में कोलोन के यहाँ पर लेफ्ट इलियक फोसा के यहाँ पर कंटिन्यूस डीप पाल्पेशन किया जाएगा, जब आप राइट इलियक फोसा को प्रेस करेंगे तो आपको पेन होगा लेफ्ट इलियक लेफ्ट साइड में, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रॉपसिंग साइन, क्लासिकल साइन है अपेंडिसाइटिस का, एग्जाम में आपको क्वेश्चन है जो आ सकता है रॉपसिंग साइन किसका क्लासिकल फीचर है, तो ये अपेंडिसाइटिस का, डॉक्टर यहाँ पर जो रॉपसिंग साइन है इसी को चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर कि जब आपने लेफ्ट इलियक फोसा को प्रेस किया डीप पाल्पेशन के थ्रू तो पेन होगा आपको राइट साइड। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द सिंबल सोन इन दिस फोटोग्राफ, यहाँ पर एक इमेज में आपको सिंबल दिख रहा है ग्रीन कलर का, है क्या रिसाइक्लेबल वेस्ट है, ई वेस्ट है, बायोहैजार्ड वेस्ट है या फिर फूड वेस्ट है, तो ग्रीन कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये करेगा रिसाइक्लेबल वेस्ट के लिए। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द टेस्ट डेप्थ इन द पिक्चर इज टू टेस्ट द पेटेंसी ऑफ, तो किसकी पेटेंसी यहाँ पर चेक की जा रही है, अल्नार आर्टरी की, रेडियल आर्टरी की, अल्नार वेन की या फिर रेडियल वेन की, तो यहाँ पर जो टेस्ट किया जा रहा है तो किसकी पेटेंसी चेक हो रही है, यहाँ पर ये चेक किया जा रहा है यहाँ पर रेडियल आर्टरी की टू फिंगर्स यूज करके। नेक्स्ट है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द स्ट्रिप सोन इन दिस फोटोग्राफ, यहाँ पर इमेज में आपको जो दिख रहा है क्या है, कौन सी यहाँ पर मेडिसिन है, कम्बाइंड OCP है, आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट है, डॉट्स है या फिर मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट रेजिमेन की किट है यहाँ पर, ये है क्या, तो ये दिख रहा है यहाँ पर आपको कम्बाइंड OCP जिसमें 21 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रहेंगी और 7 आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट्स होती हैं, तो यहाँ पर वही स्ट्रिप आपको दिख रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर, कट सेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर सोन इन दिस फोटोग्राफ कंटेंस, तो यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है, तो ये बताइए कि क्या प्रेजेंट कर रहा है, कि इसमें कितने आइटम्स कंटेन होंगे, 1 artery 2 vein 2 artery 2 veins 2 artery 1 vein या फिर 1 artery 1 vein, तो यहाँ पर इस इमेज में जो बेबी लेटा हुआ है दिख रहा है, दिख रही अम्ब्लाइकल कॉर्ड, अब अम्ब्लाइकल कॉर्ड का पूछा है कितनी आर्टरी कितनी वेन है, तो यहाँ पर 2 artery 1 vein रहेगा, आर्टरी करेंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई और वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करेगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच इंजेक्शन टेक्निक सोन इन फिगर इज यूज टू एडमिनिस्टर, तो यहाँ पर कौन सी वैक्सीन एडमिनिस्टर की जा रही है, BCG, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी या फिर जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, तो यहाँ पर कौन सी वैक्सीन है जो एडमिनिस्टर की जा रही है, तो यहाँ पर जो रूट दिखाया जा रहा है, कौन सा रूट दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है इंट्राडर्मल रूट, कौन सा इंट्राडर्मल रूट है जो दिखाया जा रहा है, इंट्राडर्मल ओनली एक वैक्सीन दी जाती है, तो वो है BCG वैक्सीन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, वॉट ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मॉनिटर्ड यूजिंग दिस टेप, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है साकिर टेप, अब साकिर टेप का यूज़ किसको मेज़र करने में किया जाता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए, स्कल ग्रोथ के लिए, एसाइटिस के लिए या फिर हाइट के लिए, तो यहाँ पर जो साकिर टेप है क्या है, साकिर टेप है, इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, साकिर टेप का आपको एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो पूछा जाएगा कि ये है क्या, तो ये साकिर टेप, इसका यूज़ किया जाता है किसके लिए,
MUAC चेक करने के लिए मिड अपरान सर्कमफेरेंस के लिए, जो कि एक एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट है और ये क्या है, न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस करने के लिए। ग्रीन बैंड तक यदि MUAC आता है दैट मीन्स बच्चा हेल्दी है, येलो आता है तो माइल्ड टू मॉडरेट उसको न्यूट्रिशन की कमी है, और रेड आता है दैट मीन्स बच्चा क्या है, सीवियरली अंडर नरिश्ड है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ लंग कैंसर, तो लंग कैंसर के कॉमन सिम्टम क्या हैं, कफ और चेंज इन अ क्रॉनिक कफ, वीजिंग साउंड ऑन इंस्पिरेशन, फॉर्मिंग ब्लड टिंग डिस्पुटम या फिर डिस्निया ऑन एक्सर्शन। एक्सर्शन का मतलब है ज़्यादा आपने कुछ काम किया तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होना। तो यहाँ पर लंग कैंसर का जो साइन है वो क्या है, कफ है, खांसी आना, और जो धीरे धीरे क्या हो जाए, क्रॉनिक कफ में बदल जाए, मतलब लंबे टाइम से आपको खांसी आ रही हो, वो लंग कैंसर का साइन है जो हो सकता है। नेक्स्ट वन, रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर इंक्लूड, तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस किसको सबसे ज़्यादा होंगे, यंग एज एट मेनोपॉज, यंग एज एट फर्स्ट बर्थ या फिर यंग एज एट मीनार्ची, मतलब बहुत जल्दी पीरियड्स आना या फिर बहुत जल्दी पहले बच्चे को जन्म देना या फिर बहुत ही फास्ट तरीके यंग एज में ही आपके पीरियड्स स्टॉप हो जाना, किस में सबसे ज़्यादा रिस्क होंगे, तो वो होंगे मीनार्ची में। यदि जो एज दी हुई है बिफोर प्यूबर्टी के, यदि आपके क्या आते हैं पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, मीनार्ची जो फर्स्ट पीरियड है वो आते हैं, ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट वन, अ क्लाइंट इज एंटर्ड विथ अ बर्न इंजुरी टू बोथ ऑफ हिज अपर एक्सट्रीमिटीज, व्हाट इज द टोटल बॉडी सरफेस एरिया अफेक्टेड फॉर दिस पेशेंट अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ नाइन। तो रूल ऑफ नाइन यूज किया जाता है बर्न पेशेंट में कि बॉडी का कितना एरिया बर्न हुआ है परसेंटेज में, तो यहाँ पर कितने परसेंट, यदि अपर एक्सट्रीमिटी दोनों अपर एक्सट्रीमिटी बर्न हो गई हैं तो कितना परसेंट यहाँ पर TBS से बताया जाएगा, 9%, 18%, 36% या फिर 27%। तो रूल ऑफ नाइन के अकॉर्डिंग बोथ अपर एक्सट्रीमिटी बर्न हुई है तो 18%, कितना अपर एक्सट्रीमिटी दोनों हाथ जले हुए हैं तो कितना 18%। अब यहाँ पे देखिए यदि लेग के लिए यही चीज़ कही जाती कि बोथ लेग या फिर लोअर एक्सट्रीमिटी बर्न हुई है तब हम कहते 36%। याद रखना है कि यदि हाथों का कहा दोनों हाथों के लिए तो कितना है 18%, 9-9, वन हैंड का 9 दूसरे का 9, लेकिन यदि लोअर लिम्ब कहते तब हम कहते 36% टोटल बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। यदि नेक कहा जाता तब होगा 1%, पेरिनियम एरिया कहेंगे तो 1% रहेगा आपका, और यहाँ पर आर्म मतलब हाथ कहेंगे तो एक हाथ के लिए 9%, दूसरे के लिए 9%, हेड का 9% होगा, नेक का 1% और पेरिनियम एरिया का 1%, लेग के लिए 18+18 मतलब एक एक पैर के लिए 18%, एंटीरियर ट्रंक बर्न हुआ है नेक से लेके लोअर लिम्ब के यहाँ तक जो पार्ट है एब्डोमिनल पार्ट, तो उसको 18%, पोस्टीरियर है तो 18%। बच्चों में लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है, बच्चों के लिए थोड़ा सा ये TBS ऐसे अलग होता है कि जो हेड है इसके लिए 18% कहा जाएगा और जो आर्म है इनको भी 9-9, लेकिन लेग के लिए 14% रहेगा, बाकी सभी चीज़ें सेम होंगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द IV फ्लूड ऑफ चॉइस इन अ पेशेंट विद सीवियर डिहाइड्रेशन, तो यदि पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन है तो कौन सा IV फ्लूड देंगे हम, 5% डेक्स्ट्रोज, DNS, IV एल्ब्यूमिन या फिर रिंगर लैक्टेट। पर्सन यदि सीवियर डिहाइड्रेट है तो उसको क्या देंगे, रिंगर लैक्टेट। नेक्स्ट वन, द मेन फंक्शन ऑफ किडनी क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ किडनी, मेन फंक्शन क्या होता है किडनी का, एलिमिनेट द ऑक्सीजन, रेगुलेट फ्लूड बैलेंस एंड रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स या फिर मेटाबोलाइज द विटामिन्स और एलिमिनेट द CO2। किडनी का मेन फंक्शन होगा कि आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को रेगुलेट करना, साथ ही साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करना। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेंस आर नोन एज, तो आर्टरी और वेन के बीच का जो कनेक्शन है वो क्या कहलाएगा, कैपिलरीज, आर्ट्रियोल्स, वेन्यूल्स या फिर लिम्फ, तो क्या कहलाएगा, तो आर्टरी और जो वेन के बीच का कनेक्शन है क्या कहलाएगा, कहलाएगा कैपिलरीज, क्या कहलाएगा, कैपिलरीज। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ स्किन इन अ डिहाइड्रेटेड पेशेंट इंक्लूड, तो यदि पर्सन डिहाइड्रेट है, बॉडी में फ्लूड की कमी है, तो क्या साइन उसकी स्किन दिखाएगी, वॉर्म एंड ड्राई होगी, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी होगी, पिगमेंटेड स्किन होगी या फिर बोथ एंड बी होगी,
यदि पर्सन क्या है डिहाइड्रेट है तो उसकी स्किन कैसी होगी, वार्म होगी, ड्राई होगी, गर्म होगी, ड्राइनेस भी दिखेगी और इलास्टिसिटी है जो पर्सन की स्किन में बहुत ही ज़्यादा कम होगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर अर्लीस्ट साइन ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा का अर्लीस्ट साइन क्या है, डबल विजन, हालो सराउंड लाइट्स, ब्लड विजन या फिर हेडेक। तो ग्लूकोमा में क्या होगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है, फिर इसमें ओपन एंगल क्लोज एंगल ग्लूकोमा रहेगा। तो ग्लूकोमा का जो फर्स्ट साइन होता है वो होगा हालोस अराउंड द लाइट्स। क्या होगा, पर्सन के लिए जो लाइट के चारों तरफ का एरिया है वो अलग टाइप का दिखाई देगा, इसको क्या कहा गया, हालोस अराउंड द लाइट्स। नेक्स्ट वन, मेथड ऑफ चॉइस टू रिमूव द ईयर वैक्स इज। तो कानों में यदि क्या है ईयर वैक्स जम गया है, सेरुमेन वैक्स जिसको हम कहेंगे, तो उसको आप कैसे निकालेंगे, मिनरल ऑयल डाल के कान में, कॉटन स्वैब एप्लीकेटर से, वार्म नॉर्मल सलाइन इरिगेशन से या फिर ऑटोस्कोप से। तो यदि कान में ईयर वैक्स जम गया है, सेरुमेन वैक्स जिसको हम कहेंगे, तो उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, वार्म नॉर्मल सलाइन इरिगेशन से। आपको कान में ना तो मिनरल ऑयल डालना है ना ही कॉटन स्वैब एप्लीकेटर से, अदरवाइज यही कान में रह गए तो प्रॉब्लम है जो और ज़्यादा बढ़ सकती है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अकरिंग पेप्टिक अल्सर इन स्टमक। ऑटोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कान में विजुलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, ऑटोस्कोप। क्वेश्चन है नेक्स्ट 44, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अकरिंग पेप्टिक अल्सर इन स्टमक। तो स्टमक में पेप्टिक अल्सर के लिए मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, पेप्टिक अल्सर का जो मेन कारण है वो क्या होता है, वो होता है एच पायलोरी। क्या होता है, हेलिकोबैक्टर पायलोरी। अब इसके लिए साइट क्या है स्टमक में, पायलोरिक पोर्सन, कार्डियक पोर्सन, इसोफेगल जंक्शन या फिर बॉडी ऑफ द स्टमक। तो यहां पर आपका आंसर होगा पायलोरिक पोर्सन। पायलोरिक पोर्सन में सबसे ज्यादा है जो पेप्टिक अल्सर होने के चांस हैं जो रहेंगे, तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, पायलोरिक पोर्सन। नेक्स्ट वन, मिस्टर हरी वॉज कंप्लेनिंग अबाउट द पेन एट हिज राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन विच रिफर्स टू अ रीजन ऑफ। तो ये देखिए राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के लिए कौन सा रीजन है जो कहा जाएगा, हेड, थोरेक्स, एब्डोमिन या फिर अपर लिम। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन जो हमने यहाँ पर क्वाड्रेंट्स पढ़े हैं तो वो उसी में आएंगे, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में हो रहा है मतलब कौन सा रीजन है, ये है एब्डोमिनल रीजन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर पर्पस ऑफ ट्रैक्शन इंक्लूड। तो ट्रैक्शन में क्या किया जाता है, कुछ वेट यूज़ किया जाता है, तो पर्पस क्या है ट्रैक्शन का, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर, इट हेल्प्स टू रिड्यूस मसल स्पाज्म एंड कॉन्ट्रैक्चर, हेल्प्स इन इंटरनल रिडक्शन या फिर बोथ ए एंड बी। तो ट्रैक्शन में वेट यूज़ किया जाता है तो ये फ्रैक्चर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाएगा, मसल स्पाज्म और कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट करने के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर एबनॉर्मल हार्डनिंग ऑफ बोन एंड एन एलिवेशन इन बोन डेंसिटी इज नोन एज। तो बोन्स में क्या हो रही है, हार्डनिंग हो रही है, बोन्स की डेंसिटी भी बढ़ रही है, तो ये क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपेट्रोसिस है, ऑस्टियोमलेशिया है, फिर अर्थराइटिस वुड है। क्या टर्म यूज़ किया जाएगा, हार्डनिंग हो रही है बोन्स की, बोन डेंसिटी बढ़ रही है, तो ये क्या है, ऑस्टियोपेट्रोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन डेंसिटी कम होगी ना कि बढ़ेगी, यदि आपको डाउट हो तो। ऑस्टियोमलेशिया होगा विटामिन डी की कमी के कारण। तो यहाँ पर बोन डेंसिटी का बढ़ना, बोन की हार्डनिंग होना, एबनॉर्मल हार्डनिंग होना, ये क्या है, ऑस्टियोपेट्रोसिस। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी पेशेंट डेवलप्स वीजिंग एंड हर स्किन बिकम्स फ्लस्ड विथ हाइप्स, दीज आर द। तो कौन सा साइन है यहाँ पर, जो पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर पेशेंट को क्या हो रही है, वीजिंग हो रही है, सांस ले रहा है तो सीटी जैसे बज रही है, स्किन फ्लस्ड हो रही है, तो ये क्या है, हीमोलाइटिक रिएक्शन है, एलर्जिक रिएक्शन है, ट्रांसफ्यूजनल रिएक्शन है या फिर थ्रोम्बोटिक क्राइसिस है। तो ये क्या हो रहा है पेशेंट को, तो ये हो रहा है हीमोलाइटिक रिएक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद जो रिएक्शन हो रहा है क्या, हीमोलाइटिक रिएक्शन। पेशेंट को वीजिंग हो रही है, फ्लस्ड आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, स्वेटी हो रहा है, तो क्या है, हीमोलाइटिक रिएक्शन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन वाइल ट्रीटिंग अ लेसरेशन। तो यदि किसी को लेसरेशन हुआ है, छिली हुई स्किन है, तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे, मॉनिटर द ब्लड प्रेशर, एलिवेट द बॉडी पार्ट्स, अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग एंड हीट,
अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग एंड आइस पैक्स। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा डी। क्या करना है, आइस पैक लगाना है और प्रेशर जो ड्रेसिंग है वो प्रेशर के साथ करनी है, आइस पैक लगाना है जिससे पेशेंट को पेन में रिलीफ मिले। नेक्स्ट वन, अ पर्सन सीइंग अ रोप टेक इज टू बी स्नैक, दिस कंडीशन इज कॉल्ड। तो सांप देख, रस्सी देख के सांप समझना क्या कहलाएगा, डीपर्सनलाइजेशन, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन या फिर इल्यूजन। अब जो तीनों टर्म है, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, इल्यूजन, इन तीनों में लोग कन्फ्यूज होंगे। तो यहाँ पर रस्सी है, क्या है, ऑब्जेक्ट है वहाँ पर, लेकिन उसको वो सांप समझ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इल्यूजन। क्या कहलाएगा, इल्यूजन। नेक्स्ट वन है, यहाँ पर हिप्नोटिक ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट। तो जितने भी हिप्नोटिक्स ड्रग होती हैं किसको ट्रीट करने के लिए दी जाएंगी, साइकोसिस को, स्लीप डिसऑर्डर को, नार्कोलेप्सी को या फिर पार्किंसन डिसऑर्डर को। तो हिप्नोटिक्स ड्रग्स दी जाती हैं जिन पेशेंट को स्लीप डिसऑर्डर और नींद की प्रॉब्लम हो उनके लिए दी जाती हैं। नेक्स्ट वन, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विथ नो बेसिस इन रियलिटी आर नोन एज। तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि रस्सी देख के सांप समझा तो वो इल्यूजन हो गया, लेकिन यहाँ पर फॉल्स सेंसरी परसेप्शन, कुछ है ही नहीं रियलिटी में लेकिन उसको समझ रहा है कि ये चीज़ है, तो क्या है, हेलुसिनेशन है, डिल्यूजन है, लॉस लूज एसोसिएशन या फिर न्यूरोलॉजिज्म है। तो ये क्या कहलाएगा, कहलाएगा हेलुसिनेशन, क्योंकि रियल में कुछ है ही नहीं लेकिन उसको लगता है कि ये चीज़ है, तो क्या हो गया, हेलुसिनेशन। न्यूरोलॉजिज्म का मतलब होगा कि कुछ नए वर्ड्स बनाना। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, मैनिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो मैनिया का मतलब यहाँ पर क्या है, पैरानॉइड डिल्यूजन है, हाई सेल्फ इस्टीम है, लॉस ऑफ इंसाइट है या फिर लॉस ऑफ ओरिएंटेशन है। तो लॉस ऑफ ओरिएंटेशन, लॉस ऑफ इंसाइट एक इसमें जाया गया जाता है सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में, लेकिन मैनिया में क्या होगा, हाई सेल्फ इस्टीम आपको देखने के लिए मिलेगी। क्या होगा, हाई सेल्फ इस्टीम है जो देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, ड्यूरिंग द असेसमेंट स्टेज अ क्लाइंट विथ सिजोफेनिया लीव्स हिज आर्म इन द एयर आफ्टर द नर्स हैज टेकन हिज ब्लड प्रेशर, हिज एक्शन शोज एन एविडेंस ऑफ। तो यहाँ पर किसी पर्सन को सिजोफेनिया है, आप उसका बीपी चेक करने गए तो अपना आर्म है जो क्या कर लेगा, हवा में घुमाएगा, आपको बीपी चेक करने नहीं देगा, तो ये कौन सा एविडेंस है, सोमेटिक डिल्यूजन है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी है, न्यूरोलॉजिज्म है या फिर न्यूलास्टिक डिल्यूजन है। पर्सन यहाँ पर क्या शो कर रहा है, तो ये यहाँ पर वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, क्या है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप उसका बीपी चेक करने आए लेकिन अपने उसने हाथ है जो ऊपर को कर लिया, मतलब कर लिया, तो ये क्या हो गया, हो गया वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट वन, बॉटल फेड बेबीज आर मोर प्रोन देन ब्रेस्ट फीड बेबी। बॉटल जो बॉटल फीडिंग बेबी होते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग बेबी होते हैं, तो बॉटल फीडिंग बेबी में क्या है जो होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे ब्रेस्ट फीडिंग बेबी के। तो जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं उनमें डायरिया, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉटल फीड के। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द नर्स इज अवेयर दैट द मोस्ट कॉमन असेसमेंट फाइंडिंग इन अ चाइल्ड विथ अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो यदि बच्चे को अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो क्या फाइंडिंग आपको देखने को मिलेंगी, इंटेंस एब्डोमिनल क्रैम्प, प्रोफ्यूज डायरिया, एनल फिशर्स या फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन। यदि किसी बच्चे को अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो क्या साइन आप देखेंगे, तो वो होगा प्रोफ्यूज डायरिया। क्या होगा, क्लासिकल साइन है अल्सरेटिव कोलाइटिस का, प्रोफ्यूज डायरिया। नेक्स्ट वन, MMR means, तो MMR का मतलब होगा मैटरनल मॉर्टलिटी रेट। क्या होगा, मैटरनल मॉर्टलिटी रेट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, एक्सपेक्टेड वेट ऑफ वन ईयर ओल्ड चाइल्ड वेन द बर्थ वेट इज 3.5 kg। यदि एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे का वजन 3.5 kg है तो एक साल की एज में कितना हो जाएगा, तो एक साल में होगा ट्रिपल, कितना, 3 गुना, डबल होगा, 5 to 6 month में ट्रिपल होगा एक साल में। अब 3.5 kg वेट है तो एक साल में कितना हो जाएगा, 10.5 kg, क्योंकि ये 3 गुना होगा एक साल में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर अमंग द फॉलोइंग। तो इनमें से इनकरेक्ट पेयर आप पहचानिए कौन सा है, BCG TB इंट्राडर्मल, DPT पर्ट्यूसेस सबक्यूटेनियस, MMR रूबेला सबक्यूटेनियस या फिर OPV और पोलियो ओरल। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा बी, क्योंकि ये दी जाती है इंट्रामस्कुलर ना कि सबक्यूटेनियस। तो यहाँ पर DPT पर्ट्यूसेस के लिए तो दी जाती, लेकिन IM दी जाएगी ना कि सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट वन,
विच इज़ द बेस्ट सॉलिड फूड दैट कैन बी यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वियनिंग. तो वियनिंग के लिए बेस्ट फूड क्या होगा? वियनिंग का मतलब होगा बच्चे को आफ्टर 6 मंथ की एज के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीड या फिर कुछ सॉलिड इंट्रोड्यूस कराना. तो क्या होगा बेस्ट बच्चों में? फ्रूट्स होगा, वेजिटेबल्स होगा, एग वाइट होगा या फिर राइस सीरियल्स होगा. तो क्या होगा? फ्रूट्स, जो बच्चे इजीली डाइजेस्ट भी कर लेंगे. नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच बेबीज आर एट हाई रिस्क टू हैव हाइपोथर्मिया. तो कौन से बच्चों को हाइपोथर्मिया होने का रिस्क सबसे ज़्यादा होगा? बेबी विथ एनी कंजनाइटल एबनॉर्मिलिटी, लो बर्थ वेट बेबीज, हेल्थी बेबी या फिर 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड. तो हाइपोथर्मिया होगा उन बच्चों में जिनमें फैट ही नहीं होगा बॉडी पे ज़्यादा, वो बच्चे कौन से होंगे? लो बर्थ वेट बेबीज. नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉमन इन प्रेगनेंट क्लाइंट्स इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी. तो क्लाइंट सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में है, तो कौन सा जो कॉमन कंडीशन है देखने को मिलेगी? मास्टाइटिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, फिजियोलॉजिकल एनीमिया या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो लेडी को डेवलप होने के चांसेस होंगे प्रेगनेंसी में, वो होगा फिजियोलॉजिकल एनीमिया. WHO के अकॉर्डिंग क्या है? जब हीमोग्लोबिन लेवल प्रेगनेंसी में बिलो 11 चला जाता है तब एनीमिया कंसीडर किया जाएगा प्रेगनेंसी में. नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द डाइट दैट इज अप्रोप्रिएट इन नॉर्मल प्रेगनेंसी शुड बी हाई इन. तो प्रेगनेंसी में कौन सी डाइट है जो लेना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा क्या हो? कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन्स होना चाहिए, प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स होना चाहिए, फैट्स एंड मिनरल्स होना चाहिए या फिर प्रोटीन मिनरल्स एंड विटामिन होना चाहिए. तो प्रेगनेंसी में जो डाइट ली जाती है उसमें प्रोटीन मिनरल्स और विटामिन है जो प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए. नेक्स्ट है यहाँ पर, प्लेसेंटा इज द ऑर्गन दैट प्रोवाइड्स एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन मदर एंड फीटस, दिस टू डेवलप बाय. तो प्लेसेंटा एक ऑर्गन है, टेम्प्ररी ऑर्गन है जो कि माँ और बच्चे के बीच में कनेक्शन रखता है, जो कि न्यूट्रिएंट्स वेस्ट मटेरियल को क्या करेगा? माँ और बच्चे के बीच में एक्सचेंज करने का काम करेगा. तो ये कब डेवलप हो जाता है? तो ये होता है फर्स्ट मंथ में ही. कब हो जाता है? फर्स्ट मंथ में ही ये डेवलप हो जाएगा. नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो कौन सी ग्लैंड मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनिशिएट करने का काम करेगी? ओवरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर हाइपोथैलेमस. मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए कौन सी ग्लैंड इनिशिएट करती है? तो वो है हाइपोथैलेमस. ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आया है, स्पेशली CHO एग्जाम में. नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इन द बेस्ट टाइम टू अचीव द प्रेगनेंसी. तो कंसीव करने का बेस्ट टाइम क्या होगा? मिडवे बिटवीन द पीरियड्स, इमीडिएटली आफ्टर मेंसेस एंड, मतलब कि जब पीरियड्स ख़त्म हुए उसके एंड में, 14 डेज बिफोर द नेक्स्ट पीरियड इज एक्सपेक्टेड, 14 डेज आफ्टर द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड. कौन सा टाइम बेस्ट होगा प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए? तो वो होगा आपका 14 डेज बिफोर द नेक्स्ट पीरियड इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि ओवुलेशन है जो इसी टाइम पे होगा और ओवुलेशन के टाइम पर ही क्या होगा? एग रिलीज होगा. तो ये क्या होगा? बेस्ट टाइम होगा प्रेगनेंसी को अचीव करने का और कंसीव करने का. नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अबॉर्शन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. तो पहले ट्राइमेस्टर में, मतलब शुरू के 3 महीने में, कौन सा कॉज है अबॉर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, ट्रॉमा, मैटरनल डिसीज या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन. तो क्या होगा कॉमनली? तो जो अबॉर्शन के लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉमन रीजन है वो क्या है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी. नेक्स्ट वन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नीड टू बी स्टार्टेड ऑन. तो जो OCP पिल्स हैं कब से स्टार्ट करना चाहिए? फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, 3rd डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन या फिर 7th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन. तो जो OCP पिल्स हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, कब से स्टार्ट करना चाहिए? फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन से. कब से? पहले दिन से, मेंस्ट्रुएशन के पहले दिन से ही. नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग कैन नॉट बी गिवन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. तो प्रेगनेंसी में एक सिंगल ऐसी एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है जो नहीं दे सकते, वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्योंकि ये क्या करेगी? टेरेटोजेनिक इफेक्ट क्रिएट करेगी. किसको? बेबी के लिए. नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द नर्स इज प्रोवाइडिंग अ टीचिंग सेशन टू अ क्लाइंट हु हैव अल्सरेटिव कोलाइटिस. द नर्स विल इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट फॉर विच डाइट. अभी हमने पढ़ा अल्सरेटिव कोलाइटिस का क्लासिकल साइन. अब है अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट है तो कौन सी डाइट आप उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे? कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टेंट डाइट,
हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट, हाई कैल्शियम हाई पोटेशियम डाइट या फिर लो रेसिड्यू लो फाइबर डाइट। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगी लो रेसिड्यू और लो फाइबर डाइट। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को डायरिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उसी डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देंगे, फाइबर डाइट है जो कम करने के लिए कहेंगे, क्योंकि हाई फाइबर डाइट क्या करेगा, डायरिया को और ज़्यादा कॉज करेगा। इसीलिए पेशेंट में क्या कहा जाएगा, लो फाइबर डाइट एंड लो रेसिड्यूअल डाइट है जो आपको लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पेशेंट कंप्लेन ऑफ पेन एंड हैज़ रेडनेस विथ स्वेलिंग एट द साइट ऑफ आईवी द नर्स मस्ट डू। तो पेशेंट को जब आप क्या कर रहे हैं, आईवी के थ्रू कोई भी मेडिसिन या कुछ भी दे रहे हैं, तो जो आईवी साइट है वहाँ पर रेडनेस हो रही है, पेन हो रही है, तो आप क्या करेंगे, स्टॉप इन्फ्यूजन एंड रिमूव द आईवी कैनुला, स्टार्ट नेजल ऑक्सीजन, चेंज आईवी ट्यूबिंग एंड द सॉल्यूशन, अप्लाई वार्म मॉइस्ट पैक टू द रेडेंट एरिया। तो आईवी साइट यदि रेड है, स्वेलिंग आ रही है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि आप उस कैनुला को ही रिमूव कर दें। इन्फ्यूजन को स्टॉप करना है और कैनुला को रिमूव करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, फिजिशियन ऑर्डर्ड ओरल एज वेल एज नेजल सक्शन टू अ क्लाइंट, यू विल डू सक्शन फर्स्ट इन। तो आप सबसे पहले सक्शनिंग कहाँ पे करेंगे, यदि फिजिशियन ने कहा ओरल और नेजल सक्शनिंग करना है पेशेंट की, तो फर्स्ट सक्शनिंग कहाँ पर करेंगे आप, सबसे पहले आप सक्शनिंग करेंगे कहाँ से, माउथ से, क्योंकि एस्पिरेशन से प्रिवेंट करना है, अदरवाइज जो म्यूकस जो सीक्रेशन आ रहा है पेशेंट उसको एस्पिरेट कर जाएगा। सबसे पहले आप कहाँ पे सक्शनिंग करेंगे, माउथ में, देन आफ्टर द नोज में। नेक्स्ट वन इज, यू आर इरीगेटिंग आर ड्रेनिंग वुंड विथ स्टेराइल सेलाइन सोल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोसीजर टू फॉलो। तो यदि आप क्या कर रहे हैं, ड्रेनिंग वुंड को इरीगेट करने का काम कर रहे हैं स्टेराइल सोल्यूशन से, तो आप क्या करेंगे, तो आपका जो यहाँ पर आंसर आएगा वो क्या होगा, वो होगा वॉश एंड वियर क्लीन ग्लव्स, रिमूव सॉइल ड्रेसिंग, रिमूव ग्लव्स, वॉश एंड वियर स्टेराइल ग्लव्स एंड प्रिपेयर द स्टेराइल फील्ड। तो यहाँ पर आपको सिक्वेंस वाइज है याद रखना है कि सबसे पहले हाथ धोना है, ग्लव्स पहनना है, क्लीन ग्लव्स, सॉइल ड्रेसिंग उसको अलग करना है, फिर जो आपके ग्लव्स भी क्योंकि इन्फेक्टेड हो गए तो उन ग्लव्स को रिमूव करके फिर से हाथ धोना है, फिर स्टेराइल ग्लव्स पहनना है और जो स्टेराइल फील्ड है उसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वन, अ चाइल्ड इज टू रिसीव डेक्सामेथासोन डेक्रोन इंट्रावीनसली एट द ऑर्डर डोज ऑफ 7.6 mg, ड्रग कंसंट्रेशन इन द वायल इज 4 mg/ml, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट वुड द नर्स एडमिनिस्टर। तो यहाँ पर भी ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करके जब निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.9 ml। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये भी आपका ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी जो बच्चा है उसको 500 ml जो क्या करना है, रिसीव करना है 12 आवर में बाय ट्यूबिंग, 16 drops/ml, माइक्रो ड्रॉप्स कितना है, 60 ड्रॉप्स पर ml है। तो यहाँ पर कितने रेट से आपको सॉल्यूशन को इन्फ्यूज करना है, तो वो आएगा यहाँ पर 42 drops/min, 42 drops/min में हमें क्या करना है, इन्फ्यूज़ करना है, 500 ml सॉल्यूशन आपको दिया गया है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, अ क्लिनिक नर्स प्रिपेयर्स टू एडमिनिस्टर एन MMR मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन टू अ 5-year-old, द नर्स एडमिनिस्टर दिस वैक्सीन। दैट मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन है कि MMR वैक्सीन एडमिनिस्टर करना है तो कौन सी साइट पे, कौन से रूट से आप एडमिनिस्टर करेंगे। IM एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई, IM इन डेल्टॉइड मसल, सबकटेनियसली इन द आउटर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म या फिर सबकटेनियसली इन द ग्लूटियल मसल्स। तो यहाँ पर MMR वैक्सीन हमेशा एडमिनिस्टर की जाती है सबकटेनियस रूट से, वो कहाँ पर, 5 साल का बच्चा है तो आउटर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म में आप इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अ क्लाइंट कम्स टू द क्लिनिक विथ अ ब्लीडिंग नोज, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो नोज ब्लीडिंग हो रही है, एपिस्टैक्सिस का पेशेंट है, तो एज अ नर्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 25% क्वेश्चन आपको क्लिनिकल नॉलेज से आने हैं। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है कि मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना, कितना डोज दे दिया आपको, डिजायर डोज दिया है, अब कितना एडमिनिस्टर करना है, कितनी रेट से करना है, ये सब आपका प्रैक्टिकल बेस में आएगा। यहाँ पर जो ब्लीडिंग नोज का पेशेंट है तो भी आपके क्लिनिकल में आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पेशेंट को सिट अप विथ योर हेड टिल्ट फॉरवर्ड, ग्रास्प द सॉफ्ट पार्ट ऑफ नोज फर्मली बिटवीन योर थंब एंड फोर फिंगर। तो
तो यहाँ पर आपको पेशेंट के लिए इस तरीके से क्या करना है, नोज ब्लीडिंग को स्टॉप करवाना है। नेक्स्ट वन, द सीक्वेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इन एनेस्थीसिया फॉर ईसीटी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और एक क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में भी रखा जाएगा आपके लिए कि ईसीटी के लिए, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है तो सीक्वेंस क्या होगा मेडिसिन का। ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है, एट्रोपिन, थायोपेंटेन, मेथोहेक्सिटोल, देन आफ्टर सक्सिनाइल कोलिन। सेकेंड ऑप्शन है सक्सिनाइल कोलिन, एट्रोपिन, थायोपेंटेन और मेथोहेक्सिटोल। एट्राक्यूरियम, सक्सिनाइल कोलिन, एट्रोपिन या फिर एट्रोपिन, सक्सिनाइल कोलिन, थायोपेंटेन और मेथोहेक्सिटोल। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, नेक्स्ट क्लास होगी आज रात की, उसका आंसर आपको इसमें दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।